आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है इसके नीचे शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है महाराज कि भगवान नारायण स्वयं इस जड़ के नीचे अपना विश्राम करते हैं। इस जड़ के नीचे प्रयास करा करो, एक चुटकी हल्दी, कितनी, मात्र एक चुटकी हल्दी, आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव, कौन से महादेव हैं, हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर पूर्व की ओर मुख कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे शुक्रवार की शुक्रवार करें या नवमी की नवमी करें, अष्टमी की अष्टमी करें, प्रदोष की प्रदोष कर लें, सोमवार की सोमवार कर लें, तो आंवले की जड़ के नीचे अगर हमने हल्दी रखकर जल का भाग समर्पित करा है पूर्वाभिमुख होकर, तो अगर व्यापार नहीं चल रहा है, एक हफ्ता हो गया बैठे हुए हो, कोई ग्राहकी नहीं है, तो एक बार करो, दूसरी बार करने जाओगे तो आप अपने आप दौड़कर जाओगे कि मेरा एक हफ्ते से व्यापार अच्छा चल रहा है। आप दूसरी बार करोगे तो आपको ये ज्ञान उपदेश ये प्राप्त हो जाएगा, अपने आप रिजल्ट सामने आएगा कि हाँ हमने आंवले के वृक्ष के नीचे हल्दी को समर्पित करा था और उसको चढ़ाने के बाद हमने जो जल चढ़ाया है उसका फल हमको प्राप्त हो। मेरा आपकी कृपा